जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ सीड, और आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि सीड की डेवलपमेंट किस तरह से होती है, सीड के पार्ट कौन कौन से हैं, और सीड के डिफरेंट पार्ट्स, सीड कोट, प्लोम्यूल, रेडिकल, इन सब पार्ट्स के फंक्शंस क्या क्या हैं। चलिए डेवलपमेंट ऑफ सीड को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं और अपने कुछ पिछले लेक्चर्स को रिकैप करते हैं, रिवाइज करते हैं। आपको याद होगा कि हमने ड्यूरिंग द प्रीवियस लेक्चर्स कुछ इस किस्म की स्ट्रक्चर बनाई थी बेटा, और उस स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया था फीमेल गैमेटोफाइट का। कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बनाई थी जो एक्चुअली कार्पल थी। अब कार्पल के अंदर सारे का सारा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हमने पढ़ा था, हमने ये अंडरस्टैंड किया था कि कार्पल की बेस पे ये ओव्यूल मौजूद होता है, ओव्यूल में यहाँ एग होता है जो स्पर्म के साथ मिलता है तो जाइगोट बनता है, और यहाँ पर एंडोस्फियन न्यूक्लियस मौजूद होता है जो दूसरे स्पर्म के साथ मिलता है तो उसके मिलने से फियन न्यूक्लियस बनता है, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है। ये चीजें हमने पढ़ी थी। अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो था वो कंप्लीट हो गया था। इसमें हमारे पास जो ये वाली स्ट्रक्चर थी इसको हमने जाइगोट का नाम दिया था, जो ये वाली स्ट्रक्चर थी इसको हमने एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का नाम दिया था जो कि फियन न्यूक्लियस से बना था, और यहां पर जो तीसरी स्ट्रक्चर है मेरा बेटा वो इस ओव्यूल की कवरिंग है, वो इस ओव्यूल का कवर है जो मैंने इनसाइड ब्लैक मार्कर से बनाया है। ये जो ओव्यूल की कवरिंग है ना इसको हम इंटेगुमेंट भी कहते हैं और कवरिंग ऑफ ओव्यूल भी कहते हैं, दोनों अल्फाज ठीक है, इंटेगुमेंट। अब ये जो तीन चीजें हैं जो मैंने अभी ड्रॉ की हैं, ये तीनों चीजें मेरा बेटा आगे जाके सीड में कन्वर्ट हो जाती हैं। इन तीन चीजों के डेवलप होने से सीड बन जाता है। अब सीड कैसे बनता है आइए जरा मेरे साथ हम समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों यही चीजें, यही तीन चीजें थोड़ा सा डेवलप होके सीड बन गई। अब इस सीड में इन्हीं तीन चीजों को हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। देखिए जो जाइगोट होता है ये कन्वर्ट हो जाता है एम्ब्रियो में, इस जाइगोट से एम्ब्रियो बन जाता है, जाइगोट डेवलप करता है तो एम्ब्रियो बन जाता है। नाउ दिस इज द फर्स्ट थिंग, ये एम्ब्रियो बन गया हमारे पास। एम्ब्रियो के बाद ये जो ऊपर वाली कवरिंग है, ये जो इस पूरे सीड को कवर कर रही है ये एक्चुअली वही इंटेगुमेंट होता है, बट जब ये सीड बन जाता है तो हम इस कवरिंग को मेरा बच्चा बोलने लग पड़ते हैं सीड कोट। हम कहते हैं भाई अब ये सीड कोट है, अब ये सीड का कवर है। ये दो चीजें बन गई, तो हमने आउटर कवरिंग भी बना ली, लेयर भी बना ली। मैं इसको लेयर को डबल लेयर कर देता हूं, और हमने एम्ब्रियो भी बना लिया। सो जाइगोट कन्वर्ट हो गया एम्ब्रियो में, बात को समझिएगा। इंटेगुमेंट जो ओव्यूल की कवरिंग थी वो कन्वर्ट होगी सीड कोट में, और ये जो एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है बेटा, ये काफी बड़ा हो जाता है। आप इमेजिन कर लीजिए कि ये इतना बड़ा हो जाता है, और इसको हम कहते हैं एंडोस्पर्म टिश्यू। नाउ दिस इज हाउ सीड डेवलप्स, कुछ इस तरह से सीड डेवलप करता है। यहां पर एक और चीज भी है, ये जो ओवरऑल स्ट्रक्चर होती है इन तीन चीजों के बाहर, ये वाली ओवरऑल स्ट्रक्चर इसको हम ओवरी कहते हैं, और ओवरी जो है मैं आपके साथ प्रीवियसली डिस्कस कर चुका हूं कि ये फ्रूट में चेंज हो जाती है। तो इस सीड के ऊपर एक्चुअली फ्रूट होता है, ऊपर फ्रूट, फ्रूट ने कवर किया हुआ सीड को, अंदर सीड मौजूद है। सीड की ये तीनों चीजें, तीन मेन पार्ट्स होते हैं जो मैंने आपको बता दिए किस तरह डेवलप हुए थे। नाउ टिल नाउ हमने ये समझने की कोशिश की है कि सीड डेवलप कैसे होता है। अब मल्टीपल स्टेजेस हैं, जाइगोट में कुछ चेंजेस हो जाएंगी, जाइगोट एम्ब्रियो बन जाएगा, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, एंडोस्पर्म टिश्यू बन जाएगा, और जो ओव्यूल का इंटेगुमेंट है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द सीड कोट। ये तीन चीजें, इन तीन चीजों में कन्वर्ट हो जाएंगी, हम कहेंगे हमारी डेवलपमेंट हो गई है सीड की, हमारा सीड बन गया। अच्छा जैसे ही डेवलपमेंट कंप्लीट होती है, नाउ दैट वाज आवर डेवलपमेंट फेज, जैसे ही डेवलपमेंट कंप्लीट होती है बेटा हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गई है। इसका मतलब है कि डेवलपमेंट इज अ साइन ऑफ कंप्लीशन ऑफ फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट कंप्लीट होने का मतलब, सीड बनने का मतलब यह है कि आपका फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है। So, अब डेवलपमेंट के बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं, और अभी हम बात करेंगे बेटा सीड के पार्ट्स की। सो लेट्स टॉक अबाउट द पार्ट्स ऑफ द सीड्स। मैंने वैसे पार्ट्स आपको बता दिए हैं,
बट इनको अभी हमने मजीद डिटेल में पढ़ना है। यहां पर आपको एक और भी बात याद रखनी है कि देखिए सारे के सारे प्लांट्स में सीड नहीं बनता। कुछ प्लांट्स हैं जिनको हम नॉन सीडेड प्लांट्स कहते हैं यानी उनमें सीड नहीं बनता। कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनको हम सीडेड प्लांट्स कहते हैं यानी उनमें सीड बनता है। अब उनमें बेसिकली दो ग्रुप्स होते हैं। एक ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं बेटा जिम्नोस्पर्म्स, और जो दूसरा ग्रुप है प्लांट्स का उनको हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स। इन दोनों ग्रुप्स में सीड बनता है। इन दोनों ग्रुप्स के अलावा और प्लांट्स के किसी भी ग्रुप में सीड नहीं बनता। अभी हम जो सीड पढ़ने जा रहे हैं दिस इज एक्चुअली द सीड ऑफ द एंजियोस्पर्म्स। तो इसके तीन हिस्से होते हैं, तीन पार्ट्स होते हैं बेटा। पहला पार्ट जो सीड का है उसको, जैसे कि मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया, उसको बोलते हैं बेटा सीड कोट। जो दूसरा पार्ट है सीड का उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो, और जो तीसरा पार्ट है सीड का उसको हम बोलते हैं एंडोस्पर्म टिश्यू। ये तीन मेन पार्ट्स हैं जी सीड के। अभी हम इंशाल्लाह इन पार्ट्स को भी डिटेल में देखने जा रहे हैं कि किस पार्ट का बुनियादी तौर पे क्या फंक्शन होता है। समटाइम्स वो आपसे ये सवाल भी पूछ लेता है कि डिफाइन सीड, सीड की डेफिनेशन बताएं कि भाई सीड क्या है। तो देखिए सीड को बुनियादी तौर पे हम डिफाइन करते हैं एम्ब्रियो से। हम कहते हैं कि सीड इज एक्चुअली अ डेवलप्ड एम्ब्रियो। सीड एक्चुअली डेवलप्ड एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो मेरा बेटा एक मल्टी सेल स्टेज है, ऐसी स्टेज है जो जिस जो कि काफी सारे सेल्स पे मुश्तमिल होती है, मल्टी सेल स्टेज है। जब जाइगोट, प्लांट का जाइगोट एम्ब्रियो के स्टेज पे पहुंच जाता है, एक डेवलप्ड एम्ब्रियो बन जाता है, तो फिर हम उसको सीड कहना शुरू कर देते हैं। दोबारा हम पार्ट्स की तरफ वापस आते हैं। आई एम गोना मेक दिस डायग्राम अ बिट मोर लार्जर इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कंप्लीटली द पार्ट्स। सो हम इसी डायग्राम को बड़ा बना रहे हैं और हम इसको बना देते हैं कुछ इस तरह से बेटा। यहां से हम इसको थोड़ा सा मजीद राउंड कर देते हैं। चलिए ये डायग्राम्स आपके साथ बनाने का मकसद ये है कि आप भी एग्जामिन इस तरह के डायग्राम्स बना सके। सो अभी जितनी चीजें हमने बनाई हैं पहले तो हम वो बनाएंगे। सो लेट मी ड्रॉ द सीड कोट फर्स्ट। ये लें जी हमारा सीड कोट हो गया। मैं इसको थोड़ा सा करीब करके ड्रॉ करूंगा फ्रॉम द आउटर लाइन। ये लें जी हमारा सीड कोट ड्रॉ हो गया। सीड कोट के बाद हम यहां पर अपना एंडोस्पर्म टिश्यू भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा एंडोस्पर्म ड्रॉ हो गया। और तीसरी चीज हम अपना एम्ब्रियो भी ड्रॉ कर लेते हैं फ्रॉम हेयर। तो ये हमारा एक्चुअली एम्ब्रियो है जो इस तरह से निकल रहा है। सो ये हमारी स्ट्रक्चर बन गई। लेट मी लेबल दिस एज वेल। ये हमारा एम्ब्रियो हो गया ओवरऑल कंप्लीट। नाउ दिस इज सीड कोट, और सीड कोट के अलावा द थर्ड थिंग दैट वी हैव ड्रॉन इज द एंडोस्पर्म टिश्यू। तो ये हमने अपने तीनों पार्ट्स कर लिए। ड्रॉ ओके जी। अब वापस आते हैं अपने इन पार्ट्स की तरफ और इनको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। भाई ये तो आपको पता है कि जो सीड कोट है ये एक्चुअली इंटेगुमेंट से बना था, तो आई डोंट थिंक सो कि ये मुझे मजीद एक्सप्लेन करने की जरूरत है। इसी तरह जो आपका एम्ब्रियो है बेटा ये भी आपको पता है कि ये जाइगोट से बना है, और एंडोस्पर्म टिश्यू के बारे में भी आपको पता है कि ये एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से बना है। एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में डेवलपमेंट हुई तो वो एंडोस्पर्म टिश्यू बन गया। अब सीड कोट का काम होता है जनाब, अब जरा इनके फंक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं तीनों को बारी बारी। सीड कोट का काम होता है प्रोटेक्शन का ऑफ एम्ब्रियो। ये जो एम्ब्रियो है ना बेटा इसने आगे जाके अगला ऑर्गेनिज्म बनाना है। आप अभी देखेंगे मैं आपको रूट शूट निकाल के दिखाऊंगा। ये रूट्स और जो शूट्स हैं ये एम्ब्रियो से डेवलप होती हैं। तो जो सीड कोट बाहर मौजूद होता है इसका बेसिकली काम होता है अंदर वाले एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करना। इसी तरह अगर हम एम्ब्रियो पे आ जाएं तो एम्ब्रियो का काम होता है डेवलपमेंट इनटू न्यू इंडिविजुअल या डेवलपमेंट ऑफ रूट एंड शूट। अगले ऑर्गेनिज्म की जो रूट और शूट की डेवलपमेंट का काम है वो मेरा बेटा एम्ब्रियो करता है। और ये जो एंडोस्पर्म टिश्यू होता है ना इसमें बुनियादी तौर पर फूड होती है, इसमें फूड होती है, तो इसका एक्चुअली काम होता है इस एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करना।
सीड कोट प्रोटेक्शन करेगा, जो एंडोस्पर्म टिश्यू होगा वो इस एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करेगा, खुराक देगा, ताकि अपनी शुरू की जिंदगी गुजारता रहे। देखिए स्टार्ट में इसके पास कोई सोर्स नहीं होता फूड का, सो दिस एंडोस्पर्म टिश्यू इज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। ये जो एंडोस्पर्म टिश्यू है ये एम्ब्रियो के लिए न्यूट्रिशन का सोर्स होता है। अच्छा ये वापस आते हैं सीड कोट पे, मैं चाहता हूं हम कुछ बातें सीड कोट के बारे में कर ले मजीद बिफोर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टू थिंग्स, और वो ये है कि ये जो सीड कोट होता है बेटा ये बारीक भी हो सकता है और काफी हार्ड भी हो सकता है। इट कैन बी सॉफ्ट इन सम केसेस और इट कैन बी हार्ड इन सम केसेस। मिसाल के तौर पे आपने कुछ सीड कोट जैसे कुछ सीड कोट देखे होंगे, जैसे एप्पल के सीड का कोट है बहुत बहुत बारीक बहुत माइन्यूट है, बट आम आम के फल का सीड कोट देखे, जब आप आम खा लेते हैं तो अंदर से जो गिठली निकलती है वो एक्चुअली सीड है, उसका कोट देखें थोड़ा सा हार्ड है। इसी तरह और बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे हैं, प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें से कुछ के सीड बारीक होंगे पतले होंगे और कुछ ऐसे होते हैं जिनके सीड काफी मोटे होते हैं। अच्छा सीड के हवाले से दो स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको याद रखने की जरूरत है, वन ऑफ देम इज मेरा बेटा हाइलम एंड द अदर वन इज माइक्रोपाइल। चलिए इन दोनों की बात करते हैं। भाई ये वाली जगह जहां से ये एम्ब्रियो निकलना शुरू हुआ है, यहां पर ना एक इस किस्म का सुराख होता है, उस सुराख को मेरा बेटा हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। शाबाश, उस सुराख को हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। मैं आपको याद करवाता हूं अभी कि ये माइक्रोपाइल कहां से मौजूद है, भला ये कहां से आया। आपको याद होगा कि जब फर्टिलाइजेशन हुई थी तो यहां पे एक पोलन ट्यूब आई थी इधर को मूव करते हुए और वो यहां से नीचे से एक एक जगह से अंदर को दाखिल हुई थी जब स्पर्म ट्रांसफर हुए थे। बेटा वो सुराख जहां से ये पोलन ट्यूब दाखिल हुई थी इस ओव्यूल के अंदर, उस सुराख को अब हम माइक्रोपाइल कहते हैं। तो ये माइक्रोपाइल बहुत शुरू का मौजूद है, बिल्कुल उसी जगह जहां पर जायगोट मौजूद होता है। जायगोट के साथ माइक्रोपाइल मौजूद होता है, ये वो सुराख है जहां से पोलन ट्यूब एंटर हुई थी। अब उस वक्त तो माइक्रोपाइल ने काम किया था पोलन ट्यूब की एंट्री का, अब क्या करेगा, अब सीड इसके थ्रू मेरा बेटा पानी एब्जॉर्ब करता है। अभी भी इसका रोल है, ऐसा नहीं है कि अब इसका कोई रोल नहीं है, और अब माइक्रोपाइल का रोल होता है सीड में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। इसी तरह जो हाइलम है, ये हाइलम यहां पर नीचे मौजूद होता है एक जगह पर, ये जो बेस वाला एरिया यहां पर नीचे हाइलम मौजूद होता है। मैंने आपको अभी बताया कि सीड के राउंड फ्रूट होता है, यानी फ्रूट के अंदर सीड होता है, तो हाइलम एक्चुअली वो जगह है जहां से सीड अटैच होता है फ्रूट के साथ, यानी सीड का पॉइंट ऑफ अटैचमेंट विद द फ्रूट। सीड अंदर है ना, फ्रूट बाहर है, तो जहां से सीड फ्रूट के साथ अटैच है उसको हाइलम बोलते हैं। आपने अक्सर जब एप्पल खाया होगा तो एप्पल के अंदर देखा होगा कि सीड एक 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 माइन्यूट सी जगह से फ्रूट के साथ अटैच होता है, उस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को हाइलम बोलते हैं। नाउ दिस इज व्हाट वी हैव अबाउट योर सीड कोट। अब आइए जरा एम्ब्रियो पे चलते हैं। ये जो एम्ब्रियो होता है इसके तीन हिस्से होते हैं बेटा। एम्ब्रियो को हम डिवाइड करते हैं इन थ्री पार्ट्स। एक एम्ब्रियो का पार्ट है जिसको बेटा हम कहते हैं प्लोम्यूल, एक पार्ट है जिसको हम बेटा कहते हैं रेडिकल, और जो तीसरा पार्ट है एम्ब्रियो का उसको हम बोलते हैं कोटिलिड। ये जो प्लोम्यूल है ये एम्ब्रियो का ऊपर वाला पार्ट होता है, यानी ये वाला पार्ट जो है एक्चुअली उसको हम बोलते हैं जी प्लोम्यूल। और इस प्लोम्यूल की खास बात ये है कि इससे शूट निकलती है, यानी इस एम्ब्रियो का वो पार्ट जिससे शूट निकलती है उसको मेरा बेटा हम कहते हैं प्लोम्यूल। तो प्लोम्यूल की खास बात कि इससे शूट निकलेगी, जो प्लांट का अपर पोर्शन है जिसको शूट बोलते हैं वो प्लोम्यूल से निकलता है। सिमिलरली ये जो एम्ब्रियो के नीचे वाला पार्ट है इसको बेटा हम बोलते हैं रेडिकल, लोअर पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियो इसको रेडिकल बोलते हैं। आप देखिए मैंने प्लोम्यूल ऊपर बनाया है एम्ब्रियो के, रेडिकल नीचे बनाया। रेडिकल वो पार्ट है जहां से मेरा बेटा रूट निकलनी होती है। एक्चुअली होता पता है क्या कि ये जो एम्ब्रियो आपको थोड़ा सा नजर आ रहा है, सीड इतना ही रहेगा, एम्ब्रियो बढ़ता जाएगा।
ये इस फूड को इस्तेमाल करके एम्ब्रियो बढ़ता जाएगा और एक टाइम ऐसा आता है जब ये बहुत बड़ा हो जाता है। तो बुनियादी तौर पर जो रूट निकलती है वो रेडिकल से निकलती है, जो शूट निकलती है वो प्लम्यूल से। ये जो कॉटिलेडन्स हैं इनका रूट या शूट निकालने में कोई काम नहीं है, इनको हम कहते हैं जी एक्चुअली दे आर द लीव्स ऑफ एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो के लीव्स होते हैं, ये लीव लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जी एम्ब्रियो के, जो के एम्ब्रियो से निकलते हैं। अब यहां पर मैं आपको कॉटिलेडन दिखाता हूं। एक्चुअली ये अगर एम्ब्रियो है तो ये इस यहां पर इस तरह से सीड का बहुत बड़ा पोर्शन इन द फॉर्म ऑफ अ कवर, एक लेयर की फॉर्म में सीड का बहुत बड़ा पोर्शन कॉटिलेडन ने कवर किया होता है। तो ये हमारे कॉटिलेडन आ गए। ये कॉटिलेडन जो है आप ऐसे समझिए कि ये प्लोम्यूल के कहीं सेंटर में मौजूद होते हैं, यानी प्लोम्यूल है, हम इसको यहां से ऐसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो प्लोम्यूल है यहां, ये इसके कहीं सेंटर में मौजूद होते हैं, ये जो कॉटिलेडन है, यानी प्लोम्यूल के सेंटर से एक पूरा लीफ निकलता है और वो सीड की अंदर वाली साइड पे एक पूरा अपना एक कवर बना लेता है। ठीक है, अच्छा जब ये कवर बन जाता है तो उसके बाद प्लोम्यूल ने शूट को, शूट में डिवाइड होना होता है, प्लोम्यूल ने शूट बनानी होती है। तो अब यहां पर शूट को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन द कोटिलेडन। कुछ शूट ऐसी होती है, कुछ शूट का हिस्सा ऐसा होता है बेटा जो कि कोटिलेडन से ऊपर निकलता है, यानी यहां पर कोटिलेडन मौजूद है तो इससे ऊपर ऊपर जो शूट निकलेगी उसके लिए हम लफ्ज यूज करते हैं एपिकोटाइल का। एपिकोटाइल, देखिए एपी एंड कोटाइल, आपको पता है एपी ऊपर के लिए यूज होता है, कोटाइल कोटिलेडन से आया है। सो एपिकोटाइल बेसिकली वो शूट का पोर्शन है जो कोटिलेडन से ऊपर होता है, दैट इज प्रेजेंट अबव द कोटिलेडन। और दूसरा हम एक टर्म यूज करते हैं जिसको कहते हैं बेटा हाइपोकोटाइल। देखिए हाइपो एंड कोटाइल, हाइपो नीचे, कोटाइल कोटिलेडन से आया, शूट का वो पोर्शन जो कोटिलेडन से नीचे होता है उसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल। सो फॉर एग्जांपल इफ वी हैव दिस कोटिलेडन तो ये जो शूट उसके ऊपर मौजूद होगी इसको बोलेंगे एपिकोटाइल, और जो शूट इसके नीचे मौजूद होगी उसको बोलेंगे हाइपोकोटाइल। इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल की भी डिटेल से बात करेंगे। फाइनली एक दो बातें एंडोस्पर्म के बारे में, हमने एम्ब्रियो को भी डिटेल से पढ़ लिया है। लास्टली एंडोस्पर्म टिश्यू का काम मेरा बेटा सिर्फ एक ही होता है और वो होता है सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। इसके अंदर एक्चुअली ऑयल्स और प्रोटीन्स की तरह की चीजें मौजूद होती हैं ज्यादातर, ये जो हमने इतना बड़ा बनाया है इसके अंदर ऑयल्स और प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, और इसका काम होता है कि अर्ली स्टेज पे जो सीड है उसको फूड प्रोवाइड करे ताकि उसका ये एम्ब्रियो ग्रो करे और सीडलिंग बाहर निकले, क्योंकि शुरू में प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा होता। सो दिस इज व्हाट द फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म टिश्यू इज। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आपका कोई सवाल हो तो आप पोर्टल के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।